श्री मोहम्मद फारूक है और मेरा 2011 में हाथ मेरा कट गया था ट्यूबवेल में, तो फिर उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो रही थी तो घर वालों ने मतलब मेरा हाई स्कूल में लखनऊ से पास किया। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे गया, मेरे एक फ्रेंड थे लखनऊ में ही, वहीं से मुझे सार्थक के बारे में पता चला। फिर उनसे मैंने नंबर लिया, उन नंबर लेने के बाद जब मैंने बात किया तो शारदा मैम थी, उनसे बात हुई मेरी। फिर उसके बाद शारदा मैम से उन्होंने पूरा जो है प्रपोजल बताया, सब कुछ बताया मुझे, क्या प्रोसीजर है उसका, कि कितने महीने ट्रेनिंग होगी, क्या होगा, सब कुछ बताया मुझे। फिर उसके बाद मैंने मैम से, ज्योत्सना मैम से मेरी बात हुई, तो उन्होंने उनसे 3 महीने की मैंने ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग में अच्छा लगा बहुत, उनसे उनकी उनकी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा है। और लोग बोलते थे कि, फिर उसके बाद मैम से जब बात हुई फर्स्ट मंथ में, बेसिक इंग्लिश और कंप्यूटर वगैरह सब बताया गया। फिर उसके बाद विशाल की फर्स्ट ओपनिंग जॉब आई मिर्ज़ापुर में, तो मैं हायरिंग जो है मिर्ज़ापुर ही हुई। तो जब मिर्ज़ापुर हुई तो वहाँ पर मैं एक इंटरव्यू दिया, मैं बनारस जाके इंटरव्यू दिया। फिर वहाँ से इलाहाबाद में 1 महीने ट्रेनिंग किया, जॉब की ट्रेनिंग। फिर वहाँ से मैं हायर होके मिर्ज़ापुर आया, फिर वहाँ पे अब अच्छे से जॉब कर रहा हूँ। आज मुझे 4 महीना 5 महीना हो रहा है। तो अब मैं, जो लोग बोलते थे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे कुछ नहीं है, मतलब तुम्हारी डिसेबिलिटी ऐसी है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, तो वो चीज़ जो है गलत मैंने साबित कर दिया। वो लोग जो अब बोलते हैं और रियल में बोलते हैं ये चीज़ की, जो है लड़का जो है सही हो गया है। और कुछ लोग, बहुत सारे लोग उल्टी सीधी भी बातें बोलते थे, नेगेटिव वे में बोलते थे, लेकिन उन सब बातों को मैं अब बहुत, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जॉब कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस बार, इस जॉब मिलने के बाद। थैंक यू सार्थक, एंड थैंक यू ज्योत्सना मैम, शारदा मैम।